हरियाणा से बिहार ले जाने वाली एक पिकअप अवैध देशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है तथा शराब को ले जा रहे पिकअप ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हरियाणा प्रांत के हिसार जिला निवासी संजय कुमार पुत्र किशन कुमार के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ ने बताया कि सजनवा पुलिस ने जिगनिया पुल के पास हरियाणा प्रांत के नंबर प्लेट लगी गाड़ी को संदेह के आधार पर चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में अवैध देशी शराब लदा हुआ था, जिसमें 200 पेटी में 9600 सीसी अवैध देशी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया। मैं थाना सहजनवा में एक पिकअप गाड़ी और उसके जो चालक है उसको हिरासत में लिया गया। जब उस गाड़ी की जो चेक किया गया तो उसके अंदर से लगभग 200 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई और जब उसके कागज़ भी चेक किए गए तो कागज़ जो थे वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो पुलिस के द्वारा इसमें उस व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो शराब है उसको जब्त किया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसको जेल भेजा जा रहा है। लगभग कितने शराब है? लगभग 200 पेटी शराब है और इसकी जो यहाँ के हिसाब से जो वैल्यू है लगभग 8 लाख रुपए के हिसाब से ये बता रहे हैं। ये हरियाणा का ही रहने वाला है और ये जो पिकअप गाड़ी है वो हरियाणा से ही चला के ये शराब वहाँ पे लोड करके उसको यहाँ ला रहे थे और बिहार की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्योंकि इलीगल है, अवैध शराब वहाँ निर्मित शराब यहाँ से जा रही थी बिना परमिट के, तो इनको अभी गिरफ्तार किया जा रहा है।